गुरुग्राम में बच्चों की बस पर कर्णी सेना के लोगों ने हमला किया। गनीमत ये रही कि इस हमले में घर लौट रहे बच्चे बाल बाल बच गए। हालांकि अब हंगामा मचने पर कर्णी सेना वालों ने कहा है कि हंगामा और ये हमला उन्होंने नहीं किया है। गुरुग्राम में बच्चों की बस पर हमला हुआ, जिसमें सभी बच्चों ने सीट के पीछे छिप छिप कर अपनी जान बचाई। इस घटना से स्कूल के बच्चे और अभिभावक काफी डरे हुए हैं। घटना के बाद गुरुग्राम के कई निजी स्कूलों को बंद किया गया है। आरोप है कि स्कूल बस पर कर्णी सेना के लोगों ने हमला किया। से गाड़ियों को ट्रैफिक को निकाल रही थी, धीरे धीरे उनको उग्रवादियों को भी भगा रही थी पुलिस। तो जैसे थोड़ा ट्रैफिक क्लियर हुआ तो पुलिस बोली कि भैया निकालो गाड़ी जल्दी, बच्चे हैं। जैसे हमने निकाले तो पता नहीं कहाँ दुब के छुपे पड़े थे, तो एकदम गाड़ी के पर उन्होंने पथराव कर दिया और ईंट पत्थरों से काट बच्चों को। कितने बच्चे और थे टीचर्स सर? उसमें कम से कम 30 बच्चे थे और 5 टीचर के करीब थे। इस बवाल के बाद कर्णी सेना पल्ला झाड़ती नजर आ रही है और कह रही है कि बस में कर्णी सेना ने तोड़फोड़ नहीं की। स्कूल बस में तोड़फोड़ से स्कूल प्रशासन भी सख्ते में है। सवाल है कि आखिर बस में तोड़फोड़ कर्णी सेना ने नहीं की तो किसने की? बच्चे बहुत यंग, इनोसेंट और बहुत वल्नरेबल होते हैं और इम्प्रेशनेबल भी होते हैं, और ये एक्सपीरियंसेस कई बार बच्चों को स्कारिंग इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रंस साइकी। तो मुझे लगता है डेफिनेटली बच्चों को इस सब में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब बच्चों के ऊपर टारगेट नहीं करना चाहिए बच्चों को कभी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवाल है कि जब यह घटना हो रही थी उस समय क्या गुरुग्राम पुलिस सो रही थी या जानबूझकर कर्णी सेना की कारस्तानी देख रही थी?